फ्रेंड कैसे हैं। स्वागत करते हैं हम नासिर सर के साथ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड आज हम आप लोग को छोटा छोटा जो हिंदी का जो वर्ड होता है यानी शब्द होता है उसका हम अंग्रेजी करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है जो अंग्रेजी में तो लिखा हुआ रहता है लेकिन उसको पढ़ने पर वो हिंदी जैसा ही पढ़ाई होता है यानी कि पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे लिखा हुआ है कभी, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ये हिंदी का ही सेंटेंस है, ये वर्ड है लेकिन इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क का क्या होता है, के होता है, और क बोलते हैं तो हल्का ए बोलाता है तो हो गया के ऐसे क। अब भी है तो बी ऐसे भ होता है, और दीर्घी है तो डबल ई लग गया तो हो गया कभी। उसके बाद है तभी तो टी ए से होता है तो, अभी है ना तो बी एच से होता है भ, दीर्घी तो डबल ई तो हो गया तभी। यानी आप देखे होंगे ऐसा लिखा रहता है कभी तभी है ना, जब भी तो जे ए से होता है जो, अब बी एच से भ डबल ई से हो गया जब ही। उसके बाद है नहीं तो एन ए से होता है नो, और एच डबल ई से होता है दीर्घी कर नहीं हो गया। सही एस ए से होता है सौ, हौद्रीकार ही है ना, एच डबल ई से हौद्रीकार ही हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है खुली, तो के एच यू से होता है खोर कर खू, एल डबल ई से होता है लौद्रीकार ली तो ये हो गया खुली। उसके बाद है अभी, तो ए से ओ होता है, ठीक है, और भी है ना तो बी एच डबल ई से होता है भौद्रीकार भी तो ये हो गया अभी। राम भा, आर ए एम से होता है राम, अब बी एच ए से होता है भा तो हो गया राम भा। उसके बाद है साम भा, तो एस ए एम से होता है साम, अब बी एच ए से होता है भा, साम भा। दांत, अब दोस्तों यहाँ पे अनुस्वार है ना तो डी ए से होता है दा, अनुस्वार है तो इसका एन हो गया तो दा हो गया, और टी से हो गया तो ये हो गया दांत। लोभी, एल ओ से होता है लो, अभी है तो बी एच डबल ई से होता है भौद्रीकार भी तो हो गया लो भी। को भी है के ओ से को, अब बी एच डबल ई से भौद्रीकार भी हो गया को भी। जो भी, जे ओ से जो, अभी है तो बी एच डबल ई से भी तो हो गया को भी। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई है, पी ए से प, डी एच से ढा, दीर्घी है तो इसका हो गया डबल ई तो हो गया पढ़ाई। बोलाई है तो बी ओ से बो, एल ए से ला, दीर्घी है तो इसका हो गया डबल ई तो हो गया बोलाई। खोलाई है तो की एच ओ से खो, एल ए से ला, दीर्घ ई से हो गया खोलाई। सोलाई है ना, सोलाई लिखा हुआ है तो एस ओ से सो होता है, एल ए से ला, दीर्घी से डबल ई सोलाई। बैठाई, बी ए आई से बै, टी एच ए से ठा, दीर्घी कर है तो इसका हो गया बैठाई। उठाई, यू से हर्षु होता है और टी एच ए से ठा, उठा दीर्घी हो गया तो उठाई हो गया। लड़ाई, एल ए से लौ और आर ए से रा, तो लरा और दीर्घी ई है तो डबल ई हो गया तो हो गया लड़ाई। उसके बाद दिलाई है तो डी आई से दी, एल ए से ला, दीर्घ ई है तो इसका हो गया डबल ई तो हो गया दिलाई। मिलाई है, एम डबल ई से हो गया मी, एल ए से ला, दीर्घ ई है तो इसका हो गया डबल ई तो हो गया मिलाई। पिलाई है तो पी डबल ई से हो गया पी, एल ए से ला, दीर्घ ई है तो इसका हो गया डबल ई पिलाई। भिलाई है, बी एच डबल ई से भी हो गया, एल ए से ला, दीर्घ ई है तो इसका हो गया डबल ई तो हो गया भिलाई।